हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं राय सिंह आप सभी भाइयों का आरएस मशीनरी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए दीपावली के उपलक्ष्य में और उससे पहले बहुत सारी हमारी मशीनें जा चुकी हैं और जगह जगह जाकर प्लांट इंस्टॉल हो रहे हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। और जिस भाई को भी ओल्ड प्लांट या न्यू प्लांट लेना है वो हमसे डायरेक्टली हमारे नंबर पर कॉल करके और संपर्क कर सकता है। देखिए बहुत सारे भाई ये कॉल करते हैं कि भाई मशीन कहाँ मिलेगी, देखने को कहाँ मिलेगी, चला के हम कहाँ देख सकते हैं। तो ये सारी मशीनें हमारे पास में ही मिलती हैं, हमारे गोडाउन में मिलेगी, हमारे वर्कशॉप में मिलेगी और यहीं पर आपको सारी मशीनों को चला के और दिखाया जाएगा। क्योंकि मशीन मैं जब तक नहीं देता हूं जब तक मैं पूरी तरीके से उन मशीनों को चला के रन करके और पार्ट्स निकाल के और मैं खुद जब संतुष्ट हो जाता हूं तब मैं किसी भी भाई को मशीन देता हूं। अभी हमारे पास में जो मशीनें हैं एक बार देख लीजिए, मैं आपको मशीन दिखा देता हूं कौन कौन सी मशीनें हैं, फिर आगे बात करते हैं। जैसे कि ये देखिए ओल्ड हांडा है और ये बैच मिक्सर है, दो बैच मिक्सर है और ये देखिए ऑयल ड्रायर है। ठीक है, ये छोटा ऑयल ड्रायर है, इससे बड़ा जो ऑयल ड्रायर है ये यहाँ है देखिए। और इसकी जो जाली होती है, देखो जाली दिखाता हूं, ये देखिए इसकी जाली बहुत बड़ी जाली है इसकी। और एक ये भी है, इसको भी दिखाता हूं। ये देखिए बहुत सारे भाई पूछते हैं कि छोटा कौन सा ऑयल ड्रायर होता है, बड़ा कौन सा ऑयल ड्रायर होता है। तो इसमें देखिए कितना फर्क है, ये देखिए बहुत ज्यादा फर्क होता है इसमें। तो ये बड़ा ऑयल ड्रायर है, तो ये सिर्फ जाली जो होती है ना, जाली के हिसाब से और जो ऑयल ड्रायर की हाइट भी बड़ी होती है, तो इस तरीके से आपको ऑयल ड्रायर मिलने वाला है। बहुत सारे भाई ये पूछते हैं कि भैया ऑयल ड्रायर कितने किलो का है, कितना किलो माल आ जाता है। तो देखिए ऑयल ड्रायर में किलो के हिसाब से माल नहीं आता है, क्योंकि जो फ्रेम्स का आइटम होता है जब आप फ्राई कर लेते हो तो बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें वेट जो होता है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा छोटा वाला लोगे तो 2-3 केजी आ सकता है इसमें माल, और बड़ा लोगे तो उसमें 1 केजी और आ जाएगा माल। तो इतना ही फर्क होगा, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा इसमें। तो सारी मशीनें ये हैं हमारे पास में, चिप्स का भी प्लांट है इसमें। और इधर देखिए एक ये है छोटा वाला नाइट्रोजन प्लांट, ठीक है, ये न्यू प्लांट मंगाया है। अगर किसी भाई को सिर्फ एक मशीन पर यह ड्रायर लगाना है या नाइट्रोजन प्लांट लगाना है तो ये छोटा वाला सिर्फ एक मशीन के लिए आप लगा सकते हो। अगर आपको 2 मशीन 3 मशीन 5 मशीन चलानी है उसके हिसाब से आपको बड़ा ऑयल ड्रायर ये नाइट्रोजन प्लांट लगाना पड़ेगा। इधर पप एक्सट्रूडर रखा हुआ है, पप कुरकुरे एक्सट्रूडर, ये 2-in-1 वाला है, ठीक है, पीछे एक हंडा है। ये सारी मशीनें हैं। और देखिए ये एक कन्वेयर बंदा है, जैसे कि किसी भाई को चिप्स प्लांट लगाना है तो भाई बोलते हैं कि ऐसी मशीन दीजिए जिससे चिप्स टूटे ना। अगर चिप्स अगर डिश वाली मशीन में आप लगाते हैं, डिश वाली में मशीन में आप डालते हो तो उसमें क्या होता है कि चिप्स जो होता है वो टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और बहुत ज्यादा टूटता है, ऐसे समझ लीजिए। अगर या तो आपको मल्टी हेड लेनी पड़ेगी या लोड सेल लेना पड़ेगा या फिर आपको मशीन पर कन्वेयर लगाना पड़ेगा और कन्वेयर पर आपको मैनुअली रखना पड़ेगा, लेबर लगानी पड़ेगी 2 बंदे को रखने के लिए माल। तो फिर इस पर जो कटोरी वगैरह लगी रहती है उसमें माल रखना पड़ेगा आपको, फिर ये माल आपका नहीं टूटेगा। तो सस्ता जो जुगाड़ है वो आप कन्वेयर लगा के और चिप्स को पैक कर सकते हो। तो जब ये बन जाएगी इसको दिखाऊंगा। तो जिस भाई को भी ओल्ड या न्यू प्लांट चाहिए हमसे संपर्क कर सकते हो, 2-3 दिन में प्लांट आने वाला है, वो भी दिखाऊंगा फिर मैं कौन सा है, और आगे मशीनें जो तैयार होने वाली हैं वो भी मैं दिखाने वाला हूं। तो देखते रहिए आरएस मशीनरी यूट्यूब चैनल। नमस्कार।